हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन को रिमाइंड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस बार CSIR दिसंबर 2019 में आया। तो सेक्शन ई से अगर शुरू करते हैं हम लोग, सेक्शन ई में एक क्वेश्चन था कि टू डिजिट का एक नंबर है एक्स और वाई, अगर उस डिजिट में से राइट साइड में अगर फोर को जोड़ दिया जाए तो उनका वैल्यू 490 से बढ़ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा इसमें फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर पुट करेंगे, जैसे कि 48 है, इसके राइट साइड में अगर 4 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू जो है अभी कितना से बढ़ गया, 490 से। अगर इसमें माइनस आप इस डिजिट को फिर से घटाएंगे 48 को, तो ये 490 होना चाहिए, लेकिन ये 490 नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। इसको ज़रा सा देखेंगे अगर हम लोग, तो ये 54 है, इसको अगर 4 डालते हैं राइट साइड में, तो इसको अगर घटाएंगे फिर इसी डिजिट को 4, तो ये हो जाएगा आपका 490। मींस 54 एक ऐसा डिजिट है जिसके राइट में 4 डालने से इसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 54 से 490 बढ़ जाता है और ये 544 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 54। एक और क्वेश्चन था कि एक सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है और उसी क्यूब को तोड़कर कई टुकड़ों में 1 mm साइड का क्यूब बनाया गया है, तो इसका रेशियो क्या होगा सरफेस का। इसके सरफेस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक सरफेस का कितना हुआ एरिया, तो 1 cm है, तो 1 × 1 यानी कि 1 cm². अगर इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm² में आना चाहिए, तो 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, 1 × 10 mm का होल स्क्वायर यानी कि 100 mm होल स्क्वायर। ये हो गया एक का सरफेस एरिया, और एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया 600 mm². अब ये हो गया ओरिजिनल क्यूब का, न्यू वन का, ये 1 mm है। तो सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि कितना क्यूब बना। तो अगर इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो 1 cm का, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 cm³। और इसी को mm में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 mm³ हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था कि 1 cm इज इक्वल टू होता है 10 mm, तो 10 mm का क्यूब होगा 1000 होगा, तो एक का 1000 हो गया, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम हो गया 1000 mm³। अब नया हम बना रहे हैं जिसका एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 1 mm × 1 mm × 1 mm, तो 1 mm³। 1 mm³ का एक क्यूब है, हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 mm, तो इसका मतलब 1000 cube बना। अब अगर इसका सरफेस निकालेंगे तो एक क्यूब का जो सरफेस होगा वो कितना होगा, तो सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग तो 1 mm × 1 mm यानी कि 1 mm का स्क्वायर, और 6 है तो 6 mm² एक क्यूब का, टोटल कितना क्यूब है 1000, इसका मतलब कि ये हो गया न्यू वाले का एरिया हुआ 6000 mm², पुराने वाले का एरिया था 600 mm². तो अगर इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो पुराने वाले से नए वाले का, तो ये हो जाएगा 1:10 का रेशियो। एक क्वेश्चन आया था कि ए यहाँ पर है, इसके ईस्ट में बी है और इसके नॉर्थ ईस्ट में सी है, तो सी से बी किस तरफ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो यहाँ पर अगर ऐसा रखेंगे हम लोग, तो ये इससे ईस्ट में था
और ये इससे नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये इसके किस में हो गया, साउथ में। ये सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 स्टूडेंट है, उसमें से एक ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों गेम प्ले करता है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। दूसरा ऐसा स्टूडेंट था जो क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल नहीं खेलता था, हॉकी के बारे में इसके बारे में बताया नहीं गया है। तीसरा ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलता है। क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ गेम, कितने ऐसे गेम हैं जो दो आदमी खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है स्टूडेंट वन के द्वारा, टू के द्वारा, फुटबॉल ये नहीं खेल रहा, ये फुटबॉल खेल रहा है, और ये सिर्फ हॉकी खेल रहा है, मतलब ये भी फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो एक ऐसा गेम है फुटबॉल जो इन दोनों में से कोई नहीं खेल रहा, मतलब फुटबॉल सिर्फ एक पर्सन के द्वारा खेला जा रहा है और ये दोनों पर्सन के द्वारा क्रिकेट और हॉकी खेला जा रहा है। हॉकी खेला जा रहा है थर्ड और वन से, और क्रिकेट खेला जा रहा है सेकंड और वन से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दो ऐसा गेम है जो दो पर्सन के द्वारा खेला जा रहा है। फुटबॉल ही एक ऐसा इसमें गेम है जो सिर्फ खेला जा रहा है स्टूडेंट वन के द्वारा। ये सिर्फ हॉकी खेलता है और ये फुटबॉल नहीं खेलता है, इसका मतलब सिर्फ फुटबॉल ये खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पर्सन है, उसमें कि क्वेश्चन में दिया था कि ए के बाद बी है और डी से पहले सी है और बी और सी के बीच में कोई ओ है, तो पूछ रहा था कि इस रेस में सेकंड में कौन है, सेकंड में सी है। हाँ, अल्फाबेटिकल कुछ और हो सकता है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैं उसी को यहाँ। इस तरह का एक स्क्वायर रेक्टेंगल को ढूंढना था, तो सिंपल सा है, इसको बनाइए। पहले पहला हम लोग स्क्वायर खींचते हैं, इसमें कोई भी नॉन स्क्वायर नहीं है। तो जब दूसरा स्क्वायर हम लोग खींचेंगे, इसमें नॉन स्क्वायर है एक, ये वाला। तीसरा अगर हम लोग खींचेंगे तो इसमें नॉन स्क्वायर है, कितना कितना, एक ये वाला नॉन स्क्वायर आएगा यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाला। ये हो गया ड्रॉ, ये हो गया, ये हो गया ड्रॉ, ये एक और बचा। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक तो ये बड़ा वाला आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक उससे छोटा वाला आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और एक ये वाला आएगा यहाँ से यहाँ तक, जो हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ से यहाँ तक, और एक ये वाला, इसको तो ड्रॉ कर लिया है, इस वाले को भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये दोनों एक ही जैसा है। इसके बाद इधर खींचते हैं हम लोग, अगर इसको खींचते हैं इसमें एक ये आता है, एक और अगर खींचते हैं तो इसमें एक ये आता है और इसमें एक ये आता है। अब अगर नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक ये आता है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कितना हो गया हमारे पास स्क्वायर, नॉन स्क्वायर, एक एक दो तीन, ये दोनों एक ही हैं, चार पाँच छ सात आठ नौ। एक और नॉन स्क्वायर छूट गया हम लोगों का, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कोई इधर नहीं लिया हम लोगों ने ना, नहीं। एक और ये नॉन स्क्वायर स्ट्रक्चर है जो कि आपका दसवां है, तो टोटल आपका 10 नॉन स्क्वायर स्ट्रक्चर इसमें है। अगर हम लोग देखें लाइफ साइंस का, इसमें क्वेश्चन आया था TDNA से, TDNA में वो पूछ रहा था कि कौन सा कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है लैब में, तो हमें वीर जीन चाहिए वेक्टर बनाने के लिए, T4 सिक्रेटरी सिस्टम भी चाहिए, ओपाइन सिक्रेटरी सिस्टम भी चाहिए, बस होस्ट जीन हमें नहीं चाहिए लैब में, क्योंकि होस्ट जीन में इसको इंट्रोड्यूस ही कराना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट ने जैसा बताया उस आधार पर मैंने ये बनाया है, और
ये टेंटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था एक प्लांट का कैरेक्टर दिया था, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होना चाहिए उसमें, सीडलेस प्लांट हो और वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हो। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें नेकेड सीड होता है, ये सीडलेस है, ये सारे सीडलेस हैं, और ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें डिफरेंशिएशन शुरू होता है और इसमें वास्कुलर बंडल का फॉर्मेशन शुरू होता है, ये सारे वास्कुलर बंडल में आते हैं। तो वास्कुलर बंडल हो, सीडलेस हो, तो ये टेरिडोफाइटा है। एग्जाम्पल में फर्न था, मॉसेस था, तो फर टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर फर्न होगा। एक और क्वेश्चन था उसमें कि एक स्ट्रेन दिया हुआ था 5-3-5-, इसमें से बताना था कि टेम्पलेट कौन सा है। हमेशा जो न्यू स्ट्रेन का सिंथेसिस होता है वो 5-3 न्यूली स्ट्रेन होता है, यानी कि इससे ये सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब ये आपका टेम्पलेट स्ट्रेन है और ये आपका कोडिंग स्ट्रेन है, एक तो हो गया। दूसरा कि लाइगेज अगर एब्सेंट हो तो रिप्लिकेशन में कौन सा स्ट्रेन इफेक्टेड होगा, लीडिंग या लैगिंग। तो अगर ये रेप्लिकेशन फॉर्क हम लोग इसको मानते हैं, ये अगर लीडिंग स्ट्रेन है और ये लैगिंग स्ट्रेन है, तो लैगेज का फंक्शन यहीं पर है इन दोनों को जोड़ने में। तो अगर लैगेज एब्सेंट रहेगा तो ये स्ट्रेन अफेक्टेड होगा, लैगिंग स्ट्रेन। इसके बाद था इसमें कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ था और उसमें बताना था कि इसमें से कौन पहले बना है। तो हम लोग रेप्लिकेशन को अच्छे से जानते हैं, ये तो कंटिन्यूस होता है लीडिंग स्ट्रेन। लैगिंग में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहले बना, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक बनता है, फिर ये बनता है, जैसे जैसे ओपन होता जाता है वैसे वैसे ये बनते जाता है। तो ये पहले बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना। क्वेश्चन में ऐसा ही नंबरिंग था शायद, नंबरिंग किसी भी तरह रहे ये पहले बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा और इसके बाद ये बनेगा। अगर इसको अच्छे से समझना है तो एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ऐसे ये आपका लीडिंग स्ट्रेन है और ये आपका लैगिंग स्ट्रेन है, ये पहले बनता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये लैगेज से जुड़ते जाता है। जैसे इसमें देखिए ये स्ट्रेन बन गया, ये बन गया, ये जब तक लैगेज से जुड़ रहा है तब तक ये स्ट्रेन फॉर्म हो रहा है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज है। इसके बाद एक और क्वेश्चन प्लांट डिजीज पर आधारित था, इसमें आपका दिया हुआ था पॉडरी मिल्ड्यू के बारे में। तो पॉडरी मिल्ड्यू इरिसिफे से होता है और इसमें काफ़ी सारे लिस्ट हैं प्लांट डिजीज का, आप एक बार नज़र से देख लेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था आरएनए पॉलीमरेज से कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज वन जो होता है वो आरआरएनए, और ये जो 5S rRNA होता है इसको प्रोड्यूस करता है आपका पॉलीमरेज थर्ड, बाकी सारे आरआरएनए आरएनए पॉल वन ही प्रोड्यूस करता है। आरएनए पॉल टू में हम लोग जानते हैं कि एमआरएनए का प्रोडक्शन होता है और एसएनआरएनए का। एक क्वेश्चन था एडीएनए और जेडडीएनए में क्या अंतर है, इसके डिफरेंसेस पे। तो उसमें से आपका एक हेलिक्स पर बेस पेयर का ऑप्शन था और एक एंटी कन्फर्मेशन था, और ये एंटी 4-pyrimidine एंड सिन 4-purine ये ऑप्शन था, तो इससे आप उसका सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था उसमें कि रिडक्शन फेज में C3 साइकिल का क्या प्रोडक्ट होता है। तो ये फेज आपका रिडक्शन फेज है, ये आपका रिडक्शन फेज है, और ऑप्शन में एक शायद एक ऑप्शन था इसका भी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का, यही इसका आंसर होगा, रिडक्शन फेज में इसका प्रोडक्ट यही होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था एक वाइट डिस्क एंड
इसको सेल्फ कराया गया था, वाइडिस प्लांट को सेल्फ कराया गया था, और उसका जो प्रोडक्ट था वो वाइट डिस्क था 3 और येलो डिस्क था 1। तो वाइट और येलो में से वाइट डोमिनेंट था, यानी कि ये आपका वाइट था और ये येलो था, जिसमें कि वाइट डोमिनेंट था, और राउंड शेप और डिस्क शेप में से आपका राउंड शेप डोमिनेंट था, डिस्क शेप रिसेसिव था, इसलिए ये डीडी और ये डीडी। इसके बाद क्वेश्चन में किया गया था कि वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करता है। उसका जो प्रोडक्ट था F2 का वो 3 वाइट डिस्क था और 1 येलो डिस्क था, मतलब उसके शेप में सभी शेप डिस्क स्ट्रक्चर के थे, इसलिए इसमें ये दोनों ही रिसेसिव है, लेकिन ये वाइट है और ये येलो है, तो 3:1 का रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा रहा होगा WWDD एंड WWDD। अगर ऐसा रहेगा तभी है ये जो हेट्रोजाइगस है ये 3:1 के रेशियो में ये WWWWW और WW, ये आपका रिसेसिव केस है, और इसमें से ये जो DED है ये सब में वैसा ही जाएगा, क्योंकि सब रिसेसिव ही है, तो सारे डिस्क सेफ ही होंगे, लेकिन ये तीनों वाइट होंगे और एक ये येलो होगा। तो इसका पैरेंटल जीनोटाइप पूछ रहे थे वो। इसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका बैक्टीरियल सेल वॉल पे, कि बैक्टीरियल सेल वॉल और आर्की सेल वॉल में क्या अंतर है। तो एक सिंपल सा है कि इसमें ईथर लिंकेज होता है, आर्की फॉस्फोलिपिड में ईथर लिंकेज होता है, और बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड में इस्टर लिंकेज होता है, इसमें एल ग्लिसरॉल होता है, इसमें डी ग्लिसरॉल होता है, यही ऑप्शन में भी था शायद। और अगर क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था एक, जिसमें कि रेस था आपका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग था और टैकमैन था। टैकमैन एक PCR है, क्वांटिटेटिव PCR है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम लोग DNA और प्रोटीन को देखते हैं, और रेस से हम लोग RNA। तो ये ऑप्शन आप करेक्ट मैच कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड पर, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम था और क्वेश्चन इन्हीं के पास नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट से हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आपको याद है और आप उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।